हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरु यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीबीडी और आईबीडी वेसल्स और सीबीडी आईबीडी जो ड्रेन्स होते हैं स्टीम ड्रम में, उनके बारे में बात करेंगे और उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ऑल्दो दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, ये एक छोटा टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए हम लोग इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई हैव अराउंड 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डिफरेंट बॉयलर पावर प्लांट टेक्नोलॉजी, और हम लोग छोटे छोटे स्मॉल वीडियोस बनाते हैं कि लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट में जहां ज़रूरत हो वहां हेल्प हो सके। तो अगर आप ऐसे वीडियोस फॉलो करना चाहते हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं सीबीडी और आईबीडी के बारे में। जैसे सीबीडी और आईबीडी नाम से ही आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा दोनों में डिफरेंस है। तो सी स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूअस, सी स्टैंड फॉर कंटिन्यूअस, आई स्टैंड्स फॉर इंटरमिटेंट। मतलब ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार हो। और ये जो आपका आई इंटरमिटेंट है, मतलब ये आप जरूरत पड़ने पे कभी भी आप दे सकते हैं। तो अभी आप देखिए कि जरूरत पड़ने पर मतलब क्या जरूरत आएगी, तो दो तरीके की जरूरत आती है। एक तो आता है अगर आपका वाटर केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है, आपका वाटर केमिस्ट्री रिलेटेड इश्यू है, तो आपको ये करना पड़ सकता है, या आपका ड्रम लेवल में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको ये करना पड़ सकता है। दो चीजें होती हैं आईबीडी के लिए। अभी आप हम लोग सब जानते हैं कि ये अगर हम लोग मान लें कि है, ये 50% ड्रम का लेवल हम लोग रखते हैं जो कि ये लाइन में यहाँ दिखाया गया है, तो आप देखिए आईबीडी का जो लेवल है ये उससे थोड़ा ऊपर रहता है, ये 55-60% जैसा कुछ हो सकता है, और सीबीडी का जो लेवल है ये थोड़ा नीचे रहता है, ये मे बी 25 से 30% एक अंदाज के हिसाब से बता रहा हूँ कि यहाँ पे रहेगा। तो अगर आप सीबीडी कंटिन्यूस खुला भी रखेंगे तो आपका ये बॉलर का लेवल कभी नहीं ड्रॉप होगा, क्योंकि ये 30% के नीचे है। जैसे ही ये थोड़ा लेवल ड्रॉप करेगा आपका ड्रम से लेवल, पानी जो इकोनोमाइजर से आ रहा है, बॉलर फीड वाटर एक जो एंट्री हो रही है उसमें आपका ये मेकअप होता रहेगा। तो अभी ये सीबीडी क्या है, ये अलग अलग बॉलर में अलग अलग तरीके से करते हैं। से पुराने कुछ बॉलर्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मैनुअल वाल्व रहता है जो कि उसका 5% या 10% आप खुला रख देते हैं, तो यहाँ से कंटिन्यूअस पानी इधर फ्लो होता रहता है, जो कि यहाँ हर ये सीबीडी की जो पाइप है ये पूरे बॉलर में ऐसे थ्रू और ड्रम के अक्रॉस फैली रहेगी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस डायग्राम में भी, अगर आप देखें जो साइड व्यू है, ये सीबीडी का पाइप है, सीबीडी का पाइप नीचे है और यहाँ पर ये नोजल्स रहती हैं जिससे पानी अंदर जाता रहता है। इधर लो प्रेशर है और इधर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पानी ऑटोमेटिकली फ्लो होता रहेगा और ये ड्रम के पूरे ड्रम में फैला हुआ है, तो जो भी इम्प्योरिटीज हैं जैसे कि सिलिका हो सकता है या टीडीएस हो सकता है, वो सब इसके थ्रू सीबीडी में आते रहेंगे। अभी ये सीबीडी में जब आएगा तो यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो ये प्रेशर डिफरेंस के थ्रू यहाँ पर एक फिनोमिना होगा जिसको बोलेंगे फ्लैश स्टीम जनरेशन। तो ये फ्लैश स्टीम क्या होता है, ये भी लोग यूटिलाइज करते हैं, और ये सीबीडी का जो वेंट है वो डिएरेटर में कनेक्ट रहता है। तो अगर आपका डिएरेटर मान लीजिए अब 1.5 kg प्रेशर के आसपास है और यहाँ पर 6 से थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है या 5.5 kg है, तो यहाँ से स्टीम आपका डिएरेटर में अपने आप चला जाएगा। तो यहाँ नीचे जो है ये स्लज वाला पानी है जो कि आप ड्रेन कर लेंगे, ये कहीं आप कूलिंग वाटर रिटर्न या कहीं डाल सकते हैं, और ये पानी आप ऊपर जो वेंट होगा वो क्लियर स्टीम होगी, वो डिएरेटर में चली जाएगी। अभी आते हैं आईबीडी के ऊपर। सपोज आपका आईबीडी का रिक्वायरमेंट आया कि अगर आपका बॉयलर का ड्रम लेवल हाई हो गया ड्यू टू एनी वाल्व का मॉल फंक्शन हुआ या किसी रीजन से लोड चेंज हुआ, तो ऐसा हो गया, तो उस केस में अगर आपका ड्रम लेवल ऐसा जा रहा है कि आप ट्रिपिंग के पास आप जा रहे हो, तो आप इसको खोल सकते हो और इसको खोल के आईबीडी में पानी लोग ले लेते हैं, तो इमीडिएट आपको रिलीफ मिल जाता है। आईबीडी का जो लाइन का साइज होता है वो लाइन का साइज भी सीबीडी के साइज से ज्यादा होता है। अगर ये अगर छोटे बॉलर की बात करें तो ये 3 इंच से 3 इंच के आसपास होगा,
और ये तो 1 इंच से भी छोटा होता है, तो ये आप इमीडिएट आपको रिलीफ दे देगा ये ड्रम लेवल में। ये तो इमरजेंसी सिचुएशन की बात हुई। और यहाँ इसका जो आईबीडी का वेंट होता है ये एटमॉस्फेयर में रहता है, तो जब आप ब्लो डाउन आईबीडी देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि भर भर के स्टीम यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो कोई देख के भी अंदाज लगा सकता है कि आईबीडी दिया है। और दूसरा ये होता है कि अगर मान लीजिए आपका बॉलर में वाटर केमिस्ट्री कुछ हाई डिस्टर्बेंस आ गया, कोई इम्प्योरिटी वाला पानी आ गया जो उसकी वजह से आपका पूरा डिस्टर्ब हो गया है, तो फिर ये सरफेस के ऊपर का पानी अगर आपको निकालना है तो उसके लिए भी इंटरमीडिएट आईबीडी देने के लिए वाटर केमिस्ट्री वाले लोग सजेस्ट करते हैं कि दिन में एक बार या शिफ्ट में एक बार आईबीडी 2 मिनट 5 मिनट के लिए दीजिए। तो उससे क्या होता है कि ऊपर का जो पानी है, अगर कुछ ऐसा इम्प्योरिटी है जो सरफेस पे है, वो आप यहाँ से आईबीडी से निकाल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हो गई सीबीडी और आईबीडी। सीबीडी हो गया कंटिन्यूअस, आईबीडी हो गया इंटरमिटेंट। और सीबीडी और आईबीडी वेसल्स भी कनेक्टेड रहते हैं, मैंने थोड़ा ऊपर दिखाया है क्योंकि मैंने ये दो लाइंस यहाँ दिखा दी थी, लेकिन ये थोड़ा नीचे रहता है ताकि मतलब जो पानी है वो पानी सीबीडी से आईबीडी में आ जाए, और फिर वो पानी अगर आप मान लीजिए कूलिंग वाटर रिटर्न लाइन में डाल के कूलिंग वाटर में यूज़ करना चाहते हैं, या जैसे भी प्लांट का अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है, वहाँ कहीं ये पानी यूटिलाइज हो सकता है। तो ये रही सीबीडी और आईबीडी की बात। अगर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।